एक स्प्रे भी गया तो माइट भी दो तीन प्लेयर्स टेक डाउन हो सकते हैं, लेकिन वहां से गॉडलाइक की रोटेशन भी आपको स्टार्ट होती हुई देखने को मिलेगी। ओमेगा ने अपनी पोजीशन रिवील कर दी, चार से पांच बुलेट का उन्होंने वो शॉट लिया। एंड अभी के लिए यहां से बचना थोड़ा सा मुश्किल गॉडलाइक के प्लेयर्स का, जिस तरह से वो रोटेशन करके जा रहे, रोटेशन करके आ रहे, उसके द्वारा एक प्लेयर के ऊपर शॉट ले लिया जाता है, दोनों प्लेयर्स को काफी अच्छा डैमेज दे दिया जाता है, तीसरे प्लेयर के ऊपर भी शॉट जाएंगे ओमेगा के, लेकिन उतने अच्छे कनेक्शन निकाले गए। एक नेड माइट भी यहाँ पे डाउन करके जा सकता है, लेकिन अपने आप को भी पीछे लेके जाना पड़ेगा क्योंकि टीम के दो प्लेयर यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है। सरदार जी या बिल्कुल ग्रेट टॉस किया जा रहा है, दिस प्री को ग्रेट गुड माइट बी फाइंडिंग सम कनेक्शंस, लेट्स सी क्या होता है। नियो के ऊपर डैमेज जरूर दी गई है, थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर डैमेज दे रहे हैं ग्रेनेड्स के थ्रू, बट कनेक्शन में नॉकआउट नहीं निकलता दिख रहा है प्लेयर का अब तक, बट नियो क्लोज आएंगे इस बार। एंड ये गलती कर दिया आपने, उन ग्रेनेड्स के ऊपर अपने कदम रख दिए, खुद को नॉकआउट करवा दिया। एंड यहां से अब सोल पुश करेगी, आई नो क्यों, क्योंकि दिस इज एग्रेसिव लाइन, अब ये नहीं रुकने वाली है। ऑलरेडी हमें प्लेयर तो निकल चुके हैं, जिगल फैसा दो प्लेयर को टेकअप कर चुके हैं, तीन प्लेयर्स बिखरा चुके हैं। गॉड अल्वाडा दे गोना डू, क्योंकि अब किल अकेले बचे हैं। आई डोंट थिंक यहां से निकलने का कोई खास चारा बचेगा, क्योंकि ओके पंचिंग्स बाहर निकले, उनको भी कंफर्म